हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि उसके एडमिशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सब कुछ डाला है, एडमिशन डिटेल्स। आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे यहाँ पे मेंशन किया है एडमिशन 2021 टू 2022 न्यू, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने ये अपडेट किया है, तो देख लेते हैं हम इसके ऊपर। लाइक सेंट्रल एडमिशन 2021-22 पर हम क्लिक करते हैं। सो ये जो हमें डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है डेटा इंफॉर्मेशन द एडमिशन 2021-22। सो इसके वजह से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। सो इसके अंदर साफ साफ दिया गया है एडमिशन कमेटी बनाई गई है इनकी एडमिशन के लिए, और ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमेशा दिया जाता है इसकी तरफ से। और इसकी तरफ से ये दिया गया है इच डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जस्ट इसके लिए इसने ये डिक्लेयर किया है कि एडमिशन के लिए किसी भी कोर्स में कोई भी एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कितनी भी एज का जो है, एज कितनी भी हो वो कोई एलिजिबल नहीं है पढ़ाई के लिए, और मिनिमम कितनी भी एज हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद ये जस्ट लाइक रिलैक्सेशन या कंसीनेंस जो है दिया गया है, जस्ट लाइक SC ST OBC। एंड इसने ये भी मेंशन किया कि सब कुछ जो भी है वो 8-10-2000, सॉरी बट इन्होंने जस्ट लाइक गलती से हो गया होगा, 2021 करना चाहिए था इनको। जस्ट ये इनकी जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद ये वीडियो देख के मेरा ठीक भी कर देंगे। ठीक है, और मैं इनको ऑफिशियली मेल भी कर दिया है कि आपने जस्ट प्रिंट आउट में गलत दिखाया है। ठीक है, ओ सॉरी, इनकी जो फैमिली काउंसिलिंग है वो राइट। आगे देखते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है नॉइज। रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% है। और जस्टिस ने ये दिया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी 5% और सुपर न्यूमरी स्टेट्स भी अवेलेबल है, जो हमेशा ही होता है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक ये वो जो वार्ड वगैरह कैटेगरी होती है, एंड जस्ट लाइक ये फुटेज का ये होता है अथॉरिटी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स सरचार्ज, और ये जो है फॉरेन नेशनल 5% सीट इज प्रोग्राम इच डिपार्टमेंट, स्पोर्ट कोटा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी की जाती है। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर में 5% आती है। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर नेशनल स्टूडेंट, ये जस्ट लाइक डासा के थ्रू होता होगा DSW। एंड इसके जो चार्जेस दिए गए हैं एनुअल फीस जो कि फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। ओके, द मेरिट लिस्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी शीट विल बी कंप्राइज ऑल द कैंडिडेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इंक्लूड SC ST OBC, दे कम अंडर द जनरल कैटेगरी मेरिट नो इंक्लूड फ्रॉम द सेम, इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो इंक्लूड SC ST OBC कैंडिडेट, एंड दे कम द जनरल मेरिट ऑल्सो रिजर्व कैटेगरी। द डिटेल्स ऑफ द शीट ऑफ जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी द नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न बिफोर बीइंग एडमिशन प्रोसेस। ऑल दोज प्रोग्राम ये दस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो भी लिखा है, ऑल दोज प्रोग्राम वेयर एडमिशन आर बेस्ड ऑन द रैंक इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल एडमिशन ओनली आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड द कैंडिडेट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द कैंडिडेट वाज रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर अवॉइडेड मे बी ऑफर्ड प्रोविजनल एडमिशन।
एंड इसके जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो भी एंट्रेंस है वो NTA द्वारा कराई जाएगी। इसके जो फॉर्म है वो जस्ट लाइक अभी इसी वीक या अगले वीक आ जाएंगे। फॉर्म फिल करने के बाद NTA एग्जाम लेगा और जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था वैसे ही किया जाएगा। और इस बार इसकी जो भी कमांडिंग है इतने दिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी कमांडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर द्वारा की जाती थी, इस बार जो सारी कमांडिंग है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा द्वारा की जाएगी। ओके द डिपार्टमेंट शैल गेट द सबमिटेड आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट थी। अगर आप एरोस्पेस में या एरोनॉटिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जस्ट लाइक एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पटियाला के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज है और जस्ट लाइक एविएशन बेस्ड जो होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड फ्लाइंग क्लब एंड एयरफोर्स बेस वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एरोस्पेस के इंडिया के अंदर बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है और जस्ट लाइक जेब पे जो सर मार्च पे जाकर आए हैं इलोन मस्क सर देश को लाइक ग्रोइंग कर रहे हैं, तो हमें भी इंडिया को एरोस्पेस के सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। तो एरोस्पेस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एडमिशन ले सकते हैं पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब एविनेशन क्लब सिविल एरोड्रोम। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, उसकी फीस बहुत ही कम है। अगर आप ST/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा आपको और डायरेक्ट फ्री ही आपको जस्ट लाइक इसरो नासा स्पेस एक्स चांद पर पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो आप पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, आई एम IITian विद IIT पटना ड्रॉप आउट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज एंड आई प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। तो आप एडमिशन ले सकते हैं पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज द पायोनियर कॉलेज इन द इंडिया इन एरोस्पेस सेक्टर एंड दिस इज ओपन बाय इसरो DRDO पंजाब गवर्नमेंट एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड एयरफोर्स टीम इन इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जल्दी अपने एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट डाल देगी कि आपको जस्ट NTA के थ्रू जो भी एडमिशन होंगे और NTA जो है इसकी जस्ट फॉर्म जस्ट निकलने वाले ही हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। आप फॉर्म में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आपको जस्ट का आप आपको जो है इसका फॉर्म वगैरह जो भी होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का और सारा सब कुछ फिल करके दिखाया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें बाकी है। अभी आपका अगर एडमिशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज प्लेसमेंट हाईएस्ट लो फीस ऐसी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं।